नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेवल MS2 में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा एक साथ ट्रेन के द्वारा डे वाइज परफेक्ट प्लानिंग बनाकर मैं आपके सामने लाया हूं। आप एक ज्योतिर्लिंग से दूसरे ज्योतिर्लिंग ट्रेन के द्वारा कैसे पहुंच सकते हैं, इनका ट्रेन का समय और ट्रेन का किराया मैं आपको डिटेल रूप से देने वाला हूं। तो स्वयं ही आप प्लानिंग में चेंज करके खुद का प्लानिंग बना सकते हैं। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग की स्टार्टिंग आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका गुजरात से करनी है, या फिर अपनी सुविधा अनुसार किसी भी ज्योतिर्लिंग से आप यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आपको अंतिम ज्योतिर्लिंग के दर्शन केदारनाथ के भी करके आपको इस 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की समाप्ति करनी है। क्योंकि यात्रा जो केदारनाथ की होती है वो मौसम पर निर्भर करती है। अगर मौसम खराब रहता है तो केदारनाथ की यात्रा पर रोक लगा दी जाती है, या फिर अधिक भीड़ होने पर भी आपको सोनप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा पर रोक लगा दी जाती है। अगर दोस्तों केदारनाथ की दर्शन करने में आपको ज्यादा दिन ले जाएंगे तो आगे के जो बाकी ज्योतिर्लिंग है उनको यात्रा करने में आपका समय में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। इस तरह से आप आखिरी में ही केदारनाथ भगवान के दर्शन करिएगा। तो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की शुरुआत आप कौन से महीने में करें? केदारनाथ के कपाट अप्रैल और मई के महीने में खुलते हैं और अक्टूबर और नवंबर के महीने में कपाट बंद हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको यात्रा करनी है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के माह में यात्रा केदारनाथ नहीं करनी चाहिए क्योंकि बरसात चलती है। तो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने में आपको 26 दिन लगने वाले हैं। अगर आप सभी ज्योतिर्लिंग में आप एक दिन रुकते हैं तो आपकी यात्रा के दिन डबल हो जाएंगे, तो इससे आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको ज्योतिर्लिंग यात्रा में ज्यादा स्टे न करना पड़े। ज्योतिर्लिंग पर आपको ट्रेन सुबह पहुंचेगी और आपको पूरा दिन विजिट कर सकते हैं। इस तरह से रात में आप ट्रेन के द्वारा ज्योतिर्लिंग के लिए प्रस्थान करेंगे। जिस स्थान से ट्रेन रात को नहीं है या दूसरे दिन ट्रेन है उसी स्थान पे आपको नाइट स्टे उसी दिन करना है। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने में बस और ट्रेन का किराया स्लीपर क्लास का 11,000 रुपया आएगा। साथ में धर्मशाला व भक्त निवास में प्रतिदिन रुकने का किराया 500 रुपया और एक समय का जो भोजन करेंगे वो 150 रुपया आएगा। तो इस प्रकार से आपका खर्चा होगा। सभी 12 ज्योतिर्लिंग में रहने के लिए आपको भक्त निवास, धर्मशाला, होटल मिल जाएंगे। एक दो घंटे के लिए भी आपको रूम मिल जाते हैं। सभी ज्योतिर्लिंगों में मंदिर ट्रस्ट द्वारा भोजन भी मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्योतिर्लिंग में रुकने और वहां के दर्शनीय स्थलों के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपने इस चैनल में आप 12 ज्योतिर्लिंग के प्लेलिस्ट में जाकर सभी 12 ज्योतिर्लिंग के डिटेल्स से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसको हमने पहले से दे रखा है। तो मेरे अनुसार आपको मंगलवार वाले दिन ही आपको द्वारका पहुंचना पड़ेगा, तभी आप आगे की यात्रा सप्ताह में एक दिन चलने वाली ट्रेन को पकड़ पाएंगे। तो दोस्तों, आपने 12 ज्योतिर्लिंग में कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन और कब किए हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं ट्रेवल MS2। तो डे वन मरे मंगलवार वाले दिन आपको अपने शहर से द्वारका के लिए सुबह पहुंचना होगा। तो उस दिन आप नागेश्वर और द्वारका दिन आप पूरा घूम सकते हैं। द्वारका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी जो होगी पड़ेगी आपको 17 किलोमीटर पड़ेगी। तो द्वारका से आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बस या ऑटो से पहुंच सकते हैं। तो द्वारका से सोमनाथ के लिए आपको रात से ट्रेन से प्रस्थान करना होगा। तो ट्रेन नंबर है 19252 ओखा बरावल एक्सप्रेस, ये डेली चलती है। द्वारका से चलने का जो समय है रात को 9 बजे है और बरावल पहुंचने का समय जो है सुबह के 5:15 बजे है। स्लीपर क्लास का जो किराया है 250 रुपए पड़ेगा और एसी 3 टायर का किराया पड़ेगा 680 रुपए पड़ेगा। इस तरह से आपको पूरी रात ट्रेन में ही सफर करने में बिताना पड़ेगा। दूसरा दिन बुधवार जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन करेंगे और रात को आप उज्जैन के लिए प्रस्थान करेंगे। तो द्वारका से बरावल यानी सोमनाथ को सुबह 5:15 बजे ट्रेन पहुंचेगी। तो बरावल रेलवे स्टेशन से जो सोमनाथ मंदिर की दूरी पड़ेगी वो 8 किलोमीटर पड़ेगी। तो आप ऑटो करके सोमनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। इस तरह से सोमनाथ घूमने के लिए आपको पूरा दिन मिलेगा। तो इस तरह से बरावल से रात की ट्रेन से आपको उज्जैन के लिए प्रस्थान करना होगा। ट्रेन नंबर 19319 बरावल इंदौर महामाना एक्सप्रेस, बरावल से जो चलने का समय होगा और रात के 10:20 पर होगा और उज्जैन पहुंचेंगे आप दोपहर के 2:50 पर। तो ट्रेन का सफर लगभग 16.5 घंटे का होने वाला है। स्लीपर क्लास का जो किराया होगा 500 रुपये होगा और AC 3 टायर का जो किराया होगा
1350 रुपए होगा। इस तरह से आपको पूरी रात ट्रेन में ही गुजारना पड़ेगा। तो डे थ्री पर आप गुरुवार को सोमनाथ से आप उज्जैन दोपहर के 3 बजे पहुंचेंगे। महाकालेश्वर मंदिर जो रात को 11 बजे तक खुला रहता है, तो आप इसी दिन आप महाकालेश्वर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरे दिन आपको उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने के लिए सुबह की बस का टिकट बुक करना होगा। डे फोर दिन शुक्रवार, तो इस दिन आपको ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के दर्शन करना है और रात को नासिक के लिए प्रस्थान करना होगा। उज्जैन से जो ओमकारेश्वर मंदिर की दूरी पड़ेगी वो 140 किलोमीटर पड़ेगी। तो उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए सीधे ट्रेन आपको कोई नहीं मिलने वाली है। तो उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए सीधे बसें चलती हैं। तो आप बस उज्जैन के हर सिद्धि चौराहा के 4 धाम मंदिर के पास से बस पकड़ सकते हैं। इस तरह से आपको सुबह 8 बजे जाने वाली बस को पकड़ना पड़ेगा। बस का किराया 225 रुपए लगेगा। बस से ओमकारेश्वर पहुंचने में आपके 5 घंटे लग सकते हैं। इस तरह से आप ओमकारेश्वर मंदिर दोपहर के 1 बजे के करीब पहुंच जाओगे। इस तरह से आपको शाम 6 बजे तक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना होगा। तो आज ही आपको ओमकारेश्वर से नासिक के तमकेश्वर जाने के लिए निकलना होगा। तो ओमकारेश्वर से नासिक जाने के लिए आपको सीधे ट्रेन नहीं मिलने वाली है। इसके लिए आपको ओमकारेश्वर से खंडवा को बस से जाना होगा और खांडवा से आपको नासिक रोड ट्रेन से जाना होगा। ओमकारेश्वर से खांडवा के बीच की दूरी जो होगी वो 70 किलोमीटर की होगी और बस का किराया आपको 130 रुपए लगेगा और खांडवा पहुंचने में आपको 2 घंटे का समय लग जाएगा। खांडवा से नासिक रोड रात के 11:15 पर ट्रेन से जाना है। ट्रेन नंबर 13201 डेली ये गाड़ी चलती है, पटना मुंबई LTT जनता एक्सप्रेस। खांडवा से जो ट्रेन चलती है रात को 11:15 चलेगी और नासिक रोड जो पहुंचने का समय है वो सुबह 5:15 है। तो स्लीपर के क्लास का जो किराया पड़ेगा आपको 245 रुपये पड़ेगा और AC 3 टायर का किराया जो पड़ेगा 615 रुपये पड़ेगा। तो इस तरह से आज की रात आपका सफर करने में रात को ट्रेन में ही बीतेगी। डे 5 दिन शनिवार, खांडवा से नासिक रोड सुबह 5:25 पर ट्रेन पहुंचेगी। नासिक रोड रेलवे स्टेशन से तमकेश्वर के बीच की दूरी 45 किलोमीटर है। तो नासिक रेलवे स्टेशन से आपको तमकेश्वर जाने के लिए बस मिल जाएगी। तो बस नंबर 245 ए बस आपको तमकेश्वर के लिए बस मिल जाएगी। बस का किराया 60 रुपए पड़ेगा और 1.5 घंटे में आप तमकेश्वर पहुंच जाओगे। तमकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप 1 बजे तक आपके हो जाएंगे। तमकेश्वर से घृष्णेश्वर औरंगाबाद आपको संभाजी नगर जाना है। तो नासिक रोड से औरंगाबाद के लिए रात को एक ट्रेन है, ये ट्रेन रात को औरंगाबाद 2 बजे पहुंचेगी। इस तरह से रात को 2 बजे आप औरंगाबाद से घृष्णेश्वर नहीं जा पाओगे। तो इस तरह से आपको रात को औरंगाबाद में ही रुकना पड़ेगा। तो औरंगाबाद में ना रुककर आपको तमकेश्वर या नासिक में रुकना ही सही रहेगा। डे 6 रविवार को आपको तमकेश्वर से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रस्थान करना होगा। नासिक रोड से सुबह 8:55 पर औरंगाबाद के लिए एक ट्रेन जाती है। ट्रेन नंबर 17617 तपोवन एक्सप्रेस नासिक से चलने का ट्रेन का समय है सुबह 8:55 पर। औरंगाबाद पहुंचेंगे आप वो दोपहर के 1:05 पहुंचेंगे। तो सेकंड सीटिंग चेयर का जो किराया है 90 रुपए प्रति पर्सन है और एसी चेयर कार का किराया जो पड़ेगा 335 रुपए पड़ेगा। औरंगाबाद से घृष्णेश्वर के जो बीच की दूरी है 30 किलोमीटर की है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से घृष्णेश्वर जाने के लिए बस आपको मिल जाएगी। बस का किराया 50 रुपए आपका लग जाएगा। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपके 1 घंटे में हो जाएंगे। दर्शन करते करते आपके 5 बज जाएंगे। घृष्णेश्वर मंदिर से जग प्रसिद्ध ओलोरा गुफाएं 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ का कैलाश मंदिर देखने लायक है। इस तरह से आज की रात घृष्णेश्वर में ही रुक जाना है। दूसरे दिन आपको ओलोरा गुफाएं देखने जाना है। डे 7 दिन सोमवार सुबह आपको ओलोरा गुफाएं देखने जाना है। मंगलवार वाले दिन ओलोरा गुफाएं बंद रहती हैं। ओलोरा गुफाएं देखने में आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। आगे आपको घृष्णेश्वर से परली बैजनाथ के दर्शन के लिए जाना है। परली बैजनाथ ज्योतिर्लिंग और देवघर झारखंड बैजनाथ ज्योतिर्लिंग दोनों के नामों में समानता होने के कारण दोनों ज्योतिर्लिंग के बीच में कई वर्षों से विवाद चल रहा है। लोग कुछ भी सोचे कुछ भी कहे, हमें 12 ज्योतिर्लिंग के जगह हमें 13 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना होगा। औरंगाबाद से परली बैजनाथ दोपहर को 4:15 पर डेली चलने वाली ट्रेन है। इससे पहले ट्रेन नहीं है। ट्रेन नंबर 17650 औरंगाबाद हैदराबाद एक्सप्रेस औरंगाबाद से चलने के समय दोपहर 4:15 पर और पल्ली बैजनाथ पहुंचने के समय रात को 9:30 है। स्लीपर क्लास का किराया 180 रुपए है और AC 3 टायर का किराया 505 रुपए है और पल्ली बैजनाथ में आपको नाइट स्टे करना पड़ेगा। डे 8
दिन मंगलवार पल्ली बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन करना है। उसके बाद पल्ली बैजनाथ से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पुणे के लिए आपको प्रस्थान करना होगा। पल्ली बैजनाथ से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पुणे के लिए आपको सीधे ट्रेन नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको पल्ली बैजनाथ से पुणे रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, फिर पुणे से भीमा शंकर बस के द्वारा जाना पड़ेगा। तो पल्ली बैजनाथ से पुणे को रात को 9 बजे डेली ट्रेन चलती है। ट्रेन नंबर 17614 हजूर साहेब नादेड़ पनवेल एक्सप्रेस। तो पल्ली बैजनाथ से चलने के समय रात को 9:05 पर है और पुणे पहुंचने का समय जो होगा सुबह 6:15 पहुंचेगी। स्लीपर क्लास का किराया 265 रुपया और एसी 3 टायर का किराया 720 रुपये पड़ेगा। आज की रात ट्रेन में सफर ही करना पड़ेगा। डे 9 दिन बुधवार पल्ली बैजनाथ से पुणे सुबह 6:15 पर ट्रेन पहुंचेगी। पुणे रेलवे स्टेशन से आपको बखडेवाड़ी बस स्टैंड जाना होगा। पहले इस बस स्टैंड का नाम शिवाजी नगर बस स्टैंड था, तो इस बस स्टैंड से भीमा शंकर के लिए आपको बस मिल जाएगी। पुणे रेलवे स्टेशन से बखडेवाड़ी बस स्टैंड के लिए आपको सिटी बस मिल जाएगी। पुणे से भीमा शंकर का जो बस का किराया लगेगा वो 185 रुपये लगेगा और 4 घंटा का लगभग समय आपको लगने वाला है। भीमा शंकर पहुंचकर आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेना है। भीमा शंकर से पुणे को आपको 7 बजे तक बस से पहुंचना होगा। उसके बाद पुणे से आपको रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रस्थान करना होगा। पुणे से रामेश्वरम के लिए रात को 12:20 पर ट्रेन है। रात 12 बजे के बाद दिन बदल जाएगा। डे 10 दिन गुरुवार पुणे से मदुरई जाने के लिए रात को 12:20 पर ट्रेन पकड़नी है। ट्रेन नंबर 16339 मुंबई CSMT नागेरकूल एक्सप्रेस पुणे से चलने के समय रात के 12:20 पर है और मदुरई पहुंचने का समय सुबह 4:25 पर है और ट्रेन का सफर में आपका 28 घंटा लगने वाला है। स्लीपर क्लास का किराया 610 रुपये है। एसी 3 टायर का किराया 1635 रुपये है। आज की रात ट्रेन में सफर करने में बीतेगा। दिन शुक्रवार पुणे से मदुरई सुबह 4:25 पर ट्रेन पहुंचेगी। मदुरई से रामेश्वरम आपको बस द्वारा जाना पड़ेगा। मदुरई से MGR बस स्टैंड पर पहुंचकर रामेश्वरम के लिए बस मिल जाएगी। बस का किराया 140 रुपये लगता है और मदुरई से रामेश्वरम पहुंचने में आपका 3 घंटा लगेगा और रामेश्वरम पहुंचकर आपको रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना है। रामेश्वरम में आपको पूरा दिन घूमने को मिलेगा। डे 11 रामेश्वरम से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम के लिए आपको जाना होगा। रामेश्वरम से श्रीशैलम के लिए डायरेक्ट ट्रेन आपको नहीं मिलने वाली है। इसके लिए रामेश्वरम से बस के द्वारा आपको मंडपम पहले पहुंचना होगा। रामेश्वरम से मंडपम की दूरी 20 किलोमीटर की है। मंडपम से कुरनूल या हैदराबाद आपको ट्रेन से जाना होगा। फिर यहां से आपको बस के द्वारा श्रीशैलम जाना होगा। मंडपम से कुरनूल रात को 10:58 पर ट्रेन है। ट्रेन नंबर है 16733 रामेश्वरम ओखा एक्सप्रेस। मंडपम से चलने के समय रात को 10:58 पर है और कुरनूल पहुंचने का समय शाम के 6:23 पर है। ट्रेन का सफर आपको 19 घंटे का होने वाला है। स्लीपर क्लास का किराया 510 रुपया और एसी 3 टायर का किराया 1370 रुपये है। आज की रात ट्रेन में सफर करने में बीतेगा। डे 12 दिन शनिवार मंडपम से कुरनूल शाम को 6:23 पर ट्रेन पहुंचेगी। कुरनूल से शाम को श्रीशैलम के लिए बस नहीं मिलेगी, इसलिए आपको कुरनूल में नाइट स्टे करना पड़ेगा। डे 13 दिन रविवार कुरनूल से श्रीशैलम आपको बस से पहुंच जाना है। बस का किराया 350 रुपये लगता है। कुरनूल से श्रीशैलम की दूरी 180 किलोमीटर के है और 5 घंटे सफर का करना होगा। श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना है और श्रीशैलम में रात को स्टे करना है। डे 14 दिन सोमवार श्रीशैलम से हैदराबाद बस से पहुंचना है। बस का किराया 450 रुपये पड़ेगा और पहुंचने में आपको 6 घंटे लगेंगे। हैदराबाद से बैजनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर झारखंड जाना है। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए ट्रेन से JCT जाना होगा। हैदराबाद से JCT दूसरे दिन मंगलवार वाले दिन ट्रेन है, इसलिए पूरा दिन आपको हैदराबाद में ही घूमना होगा और रात को आपको हैदराबाद में ही नाइट स्टे करना होगा। डे 15 दिन मंगलवार हैदराबाद से JCT दिन मंगलवार को रात को 10:40 पर ही ट्रेन चलती है। आज का दिन आपको पूरा हैदराबाद घूमने में मिलेगा।
ट्रेन नंबर 17007 सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस सिकंदराबाद से चलने के समय रात को 10:40 पर है और जेसीडी पहुंचने के समय पे 6:40 पर है। ट्रेन का सफर आपका होने वाला है 32 घंटे का। स्लीपर किराया 670 रुपये पड़ेगा। एसी 3 टायर का किराया 1795 रुपये पड़ेगा। वो आज की रात ट्रेन में सफर करना होगा। डे 16 दिन बुधवार हैदराबाद से जेसीडी पहुंचने में ट्रेन का सफर पूरा ही आपको गुजरेगा। डे 17 दिन गुरुवार हैदराबाद से जेसीडी सुबह 6:40 पर ट्रेन पहुंचेगी। जेसीडी रेलवे स्टेशन से बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की दूरी 7 किलोमीटर की दूरी है। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन करना है और बैजनाथ धाम में आपको पूरा दिन मिलेगा। आज ही के दिन यानी गुरुवार वाले दिन बैजनाथ धाम से वाराणसी को प्रस्थान करने के लिए रात को 11:33 प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन से प्रस्थान करना होगा। बैजनाथ से वाराणसी का ट्रेन नंबर 13005 हावड़ा अमृतसर मेल है। जेसीडी से चलने के समय रात को 11:33 पर है और वाराणसी पहुंचने के समय सुबह 9:15 पर है। ट्रेन का सफर 10 घंटा का होने वाला है। स्लीपर क्लास का किराया 270 रुपये पड़ेगा। एसी 3 टायर का किराया 670 रुपये पड़ेगा। वो आज की रात ट्रेन में सफर करने में बीतेगा। डे 18 दिन गुरुवार जेसीडी से वाराणसी ट्रेन सुबह 9:15 पर पहुंचेगी। वाराणसी पहुंचकर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना है और वाराणसी में पूरा दिन आपको घूमने के लिए मिलेगा। वाराणसी से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए आपको प्रस्थान करना होगा। वाराणसी से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए सीधे ट्रेन नहीं है। वाराणसी से हरिद्वार सबसे पहले आपको ट्रेन से जाना होगा। हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए आपको बस से जाना होगा। सोनप्रयाग से केदारनाथ पैदल या घोड़े से जाना होगा। वाराणसी से हरिद्वार जाने के लिए रात को 1:55 पर डेली ट्रेन चलती है। रात के 1:55 यानी दिन शनिवार लग जाएगा। आज की रात ट्रेन में सफर करने में बीतेगी। डे 19 दिन शनिवार वाराणसी से हरिद्वार ट्रेन से प्रस्थान करना होगा। ट्रेन नंबर 12369 कुंभ एक्सप्रेस वाराणसी चलने के समय रात को 1:55 पर है। हरिद्वार पहुंचने के समय दोपहर को 3:50 पर है। ट्रेन का सफर 14 घंटा का होने वाला है। स्लीपर क्लास का किराया 440 रुपये पड़ेगा। एसी 3 टायर का किराया 1065 रुपये पड़ेगा। इस तरह से वाराणसी से हरिद्वार ट्रेन दोपहर के 3:50 पहुंचेगी। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए दूसरे दिन के लिए आपको बस का टिकट बुक कर लेना है। बस का किराया 650 रुपये से 850 रुपये रहता है। आज की रात आपको हरिद्वार में ही रुकना पड़ेगा। डे 20 दिन रविवार हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस से प्रस्थान करना है। सोनप्रयाग में रात को आपको स्टे करना है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का अंतिम ज्योतिर्लिंग होगा। डे 21 दिन सोमवार सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए आपको पैदल या घोड़े से प्रस्थान करना होगा और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन करना होगा और रात में ही आपको केदारनाथ में रुकना पड़ेगा। डे 22 दिन मंगलवार केदारनाथ से सोनप्रयाग के लिए प्रस्थान करना होगा। सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते आपको रात हो जाएगी तो सोनप्रयाग में आपको रुकना है। डे 23 दिन बुधवार सोनप्रयाग से हरिद्वार के लिए आप यात्रा के अंतिम चरण में जाने के लिए पहुंच सकते हैं। हरिद्वार आप शाम तक पहुंच जाओगे। इस तरह से हरिद्वार से आप अपने शहर के लिए शाम तक प्रस्थान कर सकेंगे। अगर दोस्तों सोनप्रयाग से आपको बद्रीनाथ धाम जाना है तो सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम के लिए सुबह बस जाती है। बद्रीनाथ धाम में आपको रात को रुकना होगा। डे 24 दिन गुरुवार आपको बद्री विशाल के दर्शन करना है। इसके साथ आपको माणा गांव का विजिट भी करना है और विजिट करने के बाद रात को आपको नाइट स्टे बद्रीनाथ में करना है। डे 25 दिन शुक्रवार बद्रीनाथ धाम से आपको हरिद्वार बस के द्वारा प्रस्थान करना होगा। पहुंचते पहुंचते आपको शाम हो जाएगी तो नाइट स्टे आपको हरिद्वार में करना है। डे 26 दिन शनिवार हरिद्वार से आपको अपने शहर के लिए प्रस्थान करना होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा बाई ट्रेन आप इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों किन किन लोगों ने अभी तक 12 ज्योतिर्लिंग या कितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करे।